मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान और आप देख रहे हैं सिप सिटी स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं और जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो एक रोशनी सी छा जाती है। मैं बात कर रही हूँ अदाकार और एंकर पर्सन फारूक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कहाँ गायब होते हैं आजकल? मैं यहीं पे होता हूँ अभी तक जादू सीखा नहीं मैंने गायब होने वाला। नहीं नहीं, वेरी मच नहीं, शोबिस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। शोबिस के हवाले से ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट की हैं। अब मैं प्रोग्राम्स करता हूँ, शोज़ वगैरह कर रहा हूँ, बट फ्रीलांसिंग और यूजली जैसे प्रेजेंसी पीएम हाउस के जो इवेंट्स होते हैं वो एंकर करता हूँ। उसके अलावा प्लेज ड्रामाज मैंने नहीं किए, काफ़ी अर्सा हो गया है। उसकी वजह यह है कि एक तो ड्रामा में टाइम रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल, शोबिस का सफ़र कैसे स्टार्ट किया था आपने? शोबिस का सफ़र मैंने ओ लेवल्स में स्टार्ट किया था। ओ लेवल्स में जब मैं था तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ था और शान रीमा वगैरह यू नो लाइक देवर इन बुलंदी फिल्म आई थी और ये वो सारा, तो मुझे एक डायरेक्टर ने ऐसे ऑफ द वे फिल्म की ऑफ़र की, तो मुझे शहदाद रफ़ीक साहब ने, तो वो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, तो मैंने फिर इनकार कर दिया। बट मैंने ही गॉट मी थिंकिंग, मैंने कहा कि यार एक अगर कुछ करना है इस फील्ड में तो इट्स बेटर कि आप इसको सीख के आएँ। फिर मैंने ऑब्वियसली स्टार्टेड कंसल्टिंग फ्रेंड्स और थोड़ा बहुत ड्रामेटिक्स का शौक था स्कूल कॉलेज में, तो फिर मैंने लाहौर टीवी से प्लेज़ वगैरह शुरू किए, ऑडिशन वगैरह दिया और उसके बाद बस फिर इट नेवर लुक बैक। एंकरिंग की तरफ भी आप आए हैं? एंकरिंग की तरफ भी आया। एंकरिंग की तरफ आने की मेन वजह ये थी कि मैं इस्लामाबाद जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे प्लेस वगैरह इतने ज़्यादा बन नहीं रहे थे ड्रामास, और वहाँ से मॉर्निंग शो होता था, तो मैं जब नया नया गया तो मुझे मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट बुलाया। हमारी प्रोड्यूसर थी नरगिस हाशमी, तो उस दिन इत्तेफाक से क्योंकि लाइव होता था तो एंकर नहीं आई, आई थिंक उसका नाम मुझे एंकर का भूल गया, वो उस दिन बीमार हो गई शायद, बनी है तो प्रोड्यूसर को पैनिक अटैक हो गया, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मसला है, हमें ट्रांसमिशन देनी है तो आप एंकरिंग कर लें। मैं तो गेस्ट बैठा हुआ था जिस तरह अभी बैठा हूँ, सही। तो उन्होंने कहा आप गेस्ट कर लें। मैंने कहा जी मैं मुझे एंकरिंग नहीं आती बिल्कुल भी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो बहुत इसी नेचुरल अंदाज में बात करता हूँ, और उस ज़माने में एक ही चैनल पीटीवी था, तो पीटीवी होता और था उस पीटीवी वक्त का में, आपका पता स्टाइल बिल्कुल होता है ऐसे कि ख़वातीन हज़रात आइए लेके चलते हैं आप। मैंने कहा जी मैं तो ऐसे नहीं बात कर सकता। मैंने कहा तुम जैसे भी कर सकते हो करो। तो खैर वो मैंने प्रोग्राम किया, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने जब मेहरबानी करनी होती है, वो कहीं एमडी साहब भी देख रहे थे, उनका फ़ोन आ गया प्रोड्यूसर को कि ये बड़ा अच्छा कर रहा है और यू नो इसको रेगुलर चांस करो, देना चाहिए। इसको रेगुलर करो एंकरिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर और ड्रामा तो है नहीं, फिर मैंने वहाँ से मॉर्निंग शो शुरू किया, वो बस ऐसा शुरू किया कि 3-4 साल वो किया, फिर एक और प्राइवेट चैनल आया उसके साथ किया मॉर्निंग शो, फिर पीटीवी न्यूज़ के साथ किया, तो उसके बाद बस चलता गया, ये सिलसिला जारी रहा। ये बताइएगा एंकरिंग आसान है या फिर अदाकारी ज़्यादा मुश्किल है? आसान क्या चीज़ लगती है? यार आसान तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता, ये तो बिल्कुल नो गलत डाउट होगा ऐसे ही कहना है। कि आसान कुछ नहीं। अभी भी आप जब स्टेज पे जाते हैं, ऑब्वियसली जब आप कोई हाई प्रोफाइल प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आपको उसके लिए होमवर्क करना होता है, और अभी भी आपको स्टेज फ्राइट होता है एट एवरी गिवन मोमेंट इन टाइम। बट अगर आसानी के आप पूछो, टाइम कम एंकरिंग में लगता है क्योंकि एंकरिंग में आप 2-3 घंटे का प्रोग्राम किया एंड यू बिल्कुल फ्री। और फ्री हो गए। ड्रामा में यह है कि वो ऑब्वियसली किस्तें हैं उसकी और फिर आपकी शूट का स्पेल होते हैं 10-10 दिन का 20 दिन का, बिल्कुल, तो और फिर सुबह 9 से लेके रात स्पेशली टाइम 10-11 निकालना पड़ता है, आपको जब बुलाते हैं एग्जैक्टली जाना अब पड़ता फुल है। टाइम जॉब है एक्टिंग आजकल। अब तो जितना कंटेंट चाहिए चैनल इतने ज़्यादा हैं, तो अब वो पुराने वक्तों में तो ये होता था ना जब एक पीटीवी चैनल था तो पीटीवी होता था एक सिर्फ, अब ड्रामा है वो तो 2-3 दिन में शूट हो जाता शूट था। हो जाता अब था। तो ये है कि किस्तें उसकी होती हैं, प्रेशर इतना होता है कि सुबह आप 9 बजे जाएं और रात को 11 बजे वापस ग्यारह आएं, फिर बारह अगले बज दिन जाते सुबह 9 बजे, हैं, तो बड़ा मुश्किल काम हाँ है। हाँ पर आप इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि एंकरिंग इजी है थोड़ी, ईजी नहीं है, बट एंकरिंग में टाइम कम लगता टाइम है। कम इन्वॉल्व है। ठीक एंकरिंग हो, में दूसरी मेहनत ज़्यादा है, एंकरिंग में आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता पढ़ना है, यू ज़्यादा, हैव टू बिल्कुल बी अब्रेस्ट ऑफ वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन इन नॉलेज द, ज़्यादा लेनी पड़ती हाँ है। मुल्क में क्या हो रहा है, अदब पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट आपको पढ़ना पड़ता है। एक्टिंग में शायद आप
इतना पढ़े बगैर भी गुजारा कर ले कर सकते हैं कर सकते हैं चांस मिल सकता है आपको आगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर आपकी स्किल्स, आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, आपकी एक्टिंग अच्छी है, तो इट डजेंट मैटर कि अगर आप, मैं बहुत से ऐसे आर्टिस्ट से मिला भी हूँ और जानता भी हूँ जो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं थे और कोई इतना ज़्यादा उन्हें करंट अफेयर्स का भी नहीं पता। अभी भी आप अक्सर कई बार प्रोग्राम में देखते हैं ना, अगर आप किसी एक्टर, हार्डकोर एक्टर से पूछते हैं कि अच्छा जी बताएं ज़रा हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो सोचता है कि ये कुछ लोगों को तो वजीर आजम कभी नहीं पता होता कि हमारे वजीर आजम कौन है। कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपने सोचा हो कि अब शोबिज़ में दिल नहीं लग रहा, कहीं और स्विच कर जाना चाहिए? अभी तक तो ऐसा नहीं कभी कोई मौका है, क्योंकि देखें शोबिज़ इज़ नॉट माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन। ये मेरा प्यार है, मेरी हॉबी है, मेरा इश्क है। तो जब आपको पैशन होता है तो फिर आप को छोड़ने का ख्याल नहीं आता। हाँ कई बार लिमिटेड एक्टिविटी आप कर देते हैं, कई बार आप ब्रेक ले लेते हैं, 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं करते, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके यू नो अंदर होती है, ब्लड में है, तो छोड़ नहीं सकते। अच्छा, आप बैंकर भी हैं और शोबिज़ और बैंकर कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि बैंकर एक जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। नहीं ये आई थिंक बंदे की पर्सनैलिटी होती है। अब मैं बिलीव करता हूँ कि मैं जहाँ पे सीरियस होना था होता हूँ, लेकिन मेरी जो जोवियल सेंस है, मैं सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकता, तो मुझे हर 2 मिनट बाद हंसना होता है, तो मैं कोई ना कोई मौका निकाल कोई लेता ना हूँ, हंसने के लिए मौका ढूंढते हैं आप ढूंढ। फिर। अच्छा, कोई यादगार लम्हा ज़िंदगी का जिसको आप बहुत मिस करते हो, कोई ऐसा टाइम गुजरा हो शोबिज़ के हवाले से शोबिज़ के हवाले से बता दें। मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली एक पाकिस्तान एयरफोर्स का शो किया था, और उसमें आई थिंक वन ऑफ़ द बेस्ट शोज़ दैट आई हैव एवर डन। ये मैं अपने लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कभी नहीं इस चीज़ में बिलीव करता, क्योंकि ऑब्वियसली लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप कभी ये नहीं कहते कि जी ये सबसे अच्छा था, अच्छे से अच्छा होता रहता है। बट उसमें मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारे मुल्क के जो 2 कौमी हीरोज़ जिन पर हमें बड़ा फ़ख्र है, विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी, वो दोनों गेस्ट थे, और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई और मैंने उन दोनों को गले लगाया ऑन बिहाफ द होल नेशन के। उन्होंने, आपको मालूम है उनका कारनामा, एक बिल्कुल ने बिल्कुल ऐसे ही विंग है। कमांडर नुमान ने अभिनंदन का जहाज़ बिल्कुल गिराया बिल्कुल और स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी ने दूसरा जहाज़ गिराया, दूसरा जहाज गिराया था। तो वो मेरे ख्याल में एक ऐसी अचीवमेंट थी जो अपनी लाइफ टाइम में हमने इस तरह की ऑब्वियसली नहीं देखी, वो वाला माहौल या उस तरह का। लेकिन उससे मुझे, आई एम वेरी पेट्रियाटिक, और मुझे ये हुआ कि हमारे मुल्क की तरफ जो भी मैली नज़र डालेगा डालेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए, और ये हमारे हीरोज़ हैं जो ये मुमकिन करते हैं। कोई फेवरेट पर्सनालिटी जो शोबिस में आपको बहुत ज्यादा पसंद हो? शोबिज़ में बहुत सी पर्सनैलिटीज़ हैं, सारी मतलब जितने मेरे इम्प्रेस दोस्त किससे हैं, हुए थे जिनको देख के आपको पता चला कि शोबिस में आना है आपने? मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर मरहूम, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, मैं बड़ा इंस्पायर्ड था, हूँ और रहूँगा, मेरे उस्ताद भी हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि आई थिंक उनकी ज़िंदगी के आखिरी 1.5-2 साल थे जब मेरी उनसे बहुत अच्छी रैपो हो गई, और बड़ा प्यार करते थे इंट्रैक्शन मुझे काफी अच्छा हो गया और था। बड़ा प्यार, और उन्होंने मतलब कराची में रहते थे, मलीर में, तो वो कहते मेरा कराची चक्कर बहुत लगता था, तो कहते थे कि यहाँ तो आते वक्त यहाँ जाते वक्त मेरे से खाना खाए बगैर तुम नहीं जा नहीं सकते, जा अगर मुझे पता चल सकते। गया तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। तो वो मेरी एक रूटीन बन गई थी कि मैं लैंड करते साथ ही उनके घर जाता था या वापसी पे। वापसी तो उनसे आई थिंक ही वॉज एन इंडस्ट्री एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, मोइन अख्तर साहब इज़ अ लेजेंड, ट्रू लेजेंड। उसके अलावा ऑब्वियसली और बहुत से नाम हैं, उमर शरीफ साहब हैं, आई थिंक ही इज़ अमेजिंग, तारिक अजीज़ साहब हैं, दिलदार परवेज़ भट्टी मरहूम थे, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, तो आमीन। एंकरिंग में तो बहुत से। फेवरेट हीरोइन कोई बताएं? फेवरेट हीरोइन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की आप बात कर रही हैं बिल्कुल ऑब्वियसली, मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा पहले चला जाएं तो आई थिंक रीमा, आई थिंक रीमा कोई पहचान है पूरी खास वजह रीमा को इंडस्ट्री पसंद? के। रीमा ने बहुत सी फिल्मों में काम किया एंड आई थिंक रीमा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है। एज अ पर्सन आई थिंक जितना इवॉल्व और जितना अपने आप को कंपैटिबल रीमा ने बनाया, आई थिंक मैंने किसी और आर्टिस्ट को इस तरह नहीं देखा। माशाल्लाह, शी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव चेंज एंड शी मेक्स इट हैपन। खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ
सब कुछ, लेकिन कोई एक एक चीज तो आपको पसंद होती है ना, मोस्ट फेवरेट चीज होती है। चाइनीज पसंद करते हैं, देसी? मुझे सब पसंद है जेन्युइनली। देसी भी पसंद करता हूँ, कढ़ाई वगैरह बड़े शौक से खाता हूँ। उसके अलावा थाई भी पसंद है, जापानीज़ फूड पसंद है, सुशी वगैरह, चाइनीज़ फूड पसंद है। कुछ भी खाने के लिए अच्छी चीज़। मियाँ जी की दाल भी पसंद है। ठीक हो गया। कभी बॉलीवुड से ऑफर आई, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं ऑफर और आई। अगर आएगी तो क्या आप नहीं जाएंगे? नहीं अगर आती भी तो आई वुड नेवर। देखें, मैं ये फील करता हूँ कि हमारे, हम सब की, आपकी, मेरी, जितने लोग हैं, हम सब की पहचान हमारा मुल्क है बिल्कुल पाकिस्तान। ऐसे ही है। अगर हम आज इधर बैठे हुए हैं, या अगर आज मुझे शायद दो लोग जानते हैं बाहर, तो वो पाकिस्तान की वजह से जानते हैं, किसी और मुल्क की वजह से या किसी और मुल्क में काम करने की वजह से नहीं जानते। तो जिस मुल्क ने, जिस धरती माँ ने हमें पहचान दी है, ऐसे ही ये है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि उसे छोड़ के आप कहीं और जाएं। क्योंकि जो अपने अपनी अपनी माँ पहचान होती को ओन नहीं है। करेगा, तो उसे दूसरा कौन ओन करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। म्यूजिक में क्या पसंद है आपको? म्यूज़िक कौन में, सा म्यूजिक पसंद है, फास्ट या म्यूज़िक में भी हर किस्म का म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। क्योंकि मैंने बहुत से शोज़ भी होस्ट किए हैं जो एंटरटेनमेंट बेस्ड, म्यूज़िक बेस्ड थे। सारे सिंगर्स से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, अबरार से, जवाद से, शराज उपल, जितने भी हैं। उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। आतिफ़ असलम का मुझे बहुत पसंद है म्यूज़िक। उस्ताद शफकत अमानत अली इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर। आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर। कुछ गा लेते हैं? अगर गा लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा गुनगुना के बिल्कुल नहीं, ये वाहिद चीज़ है जो मैं खाना नहीं पका सकता और गाना नहीं गा सकता। क्यों, क्या असल में वजह है? नहीं, खा, कोशिश की मैंने। मेरे एक्चुअली लाइफ का मोटो रहा है कि ज़िंदगी में हर काम ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल तजर्बा ज़रूर करना आना चाहिए आना आपको। चाहिए। तो मैं, इन दोनों में ये वाहिद दो हैं चीज़ें जिनमें मुझे अंदाज़ा है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं करता। आपका इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको लगता है कि आप कर ही नहीं खाना सकते? पकाने में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, कोशिश मैंने की लेकिन गाना नहीं। गाने में? गाना गाने में इंटरेस्ट था एक ज़माने में, शौक भी हुआ, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, तो इसलिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। बाकी दुनिया का हर काम मैं खुद करता हूँ, कर सकता हूँ। मैं हॉस्टल में रहूँ बहुत अच्छा, तो आई एम वेरी प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल। तो मैं जूते पॉलिश से लेके कपड़े प्रेस करने सफाई, तक, प्रेस करने सफाई। तक सब कुछ कर सकता हूँ। कोई ऐसी असाइनमेंट जो आपको बहुत मुश्किल लगी हो, असाइनमेंट शोबिस रिलेटेड आप बात कर रहे हैं? शॉबिस रिलेटेड ही? देखिए, कई बार जब आप वीआईपी शोज़ कर रहे होते हैं, जैसे प्रेजेंसी में 14 अगस्त का या 23 मार्च का, या आप पीएम हाउस में कर रहे होते हैं, तो वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो लाइव होते हैं, और ऑडियंस में आपके ऑब्वियसली सारे सीनियर डिग्नेटरीज हैं, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू ऑल द सेक्रेटरीज एंड एवरीवन, मिनिस्टर्स। तो उधर गलती की गुंजाइश नहीं बिल्कुल होती, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली आपके एक जहन में होता है एक फैक्टर जिसे आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस आपको तजर्बा इतना हो जाता है कि आपको इतना फील नहीं फील होता। नहीं होता लेकिन है। ये गलत है अगर कोई कहे कि नहीं जी, मेरे लिए कोई मसला ऐसा नहीं है। मसला नहीं है, मसला हाँ, सबके लिए होता है कि दैट इज़ लाइफ। अगर सब कुछ आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर आप रोबोट हैं, फिर इंसान थोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लास्ट ड्रामा आपने कौन सा किया था? लास्ट ड्रामा मैंने किया था मेरा पहला प्यार, जिसमें मेरे साथ सना जावेद थी मेरे ऑपोजिट, और उस ड्रामे में फैसल कुरैशी भी था है। और उसके अलावा सिसकियाँ एक ड्रामा किया था, ये आई थिंक 4 साल पहले। एक ये तो ड्रामा हो गया ना, अपना पहला और आखिरी प्यार भी हमें थोड़ा बता दें कि वो कौन है। ऐसी बातें टीवी पे कोई मसला नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वर्कहोलिक किस्म का आदमी हूँ। मैं बड़ा काम में फोकस रहता हूँ, एंड यू नो आई बिलीव इन हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन। तो कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, और जब टाइम था तब मैंने ये टाइम कोई उसमें क्रश ज़ाया तो कर दिया। होगा ना नहीं, आपका, वो बता दें। क्रशेस तो बहुत गुजरे हैं। लास्ट वाला क्रश बता दें फिर। राज, अब इस तरह तो बड़ा मुश्किल है। नहीं, क्रशेस तो डेफिनेटली भाई, चलिए जो उनमें भी, से कोई एक आधा आपको देखें, याद होगा। इंसान बुनियादी तौर पे हुस्न परस्त होते हैं, तो जो भी अच्छी हसीन चीज़ होती है वो इंसान को अट्रैक्ट भी करती है, और बिल्कुल वो भी। तो लास्ट किस पे, इस तरह किसी का नाम लेना तो मेरे ख्याल में बहुत ऑकवर्ड है, बट यस, मतलब यू नो, इफ समवन इज़ वर्थ इट, यस, व्हाई नॉट। अच्छा, किसी में क्या चीज़ पसंद आती है? मतलब आपका अगर कोई क्रश है तो उसमें आपको क्या पसंद आएगा? कोई ओके, गर्ल्स, लड़कियों में आई लाइक टॉल गर्ल्स, ओके ठीक है।
एंड या कॉम्प्लेक्शन कलर कॉम्प्लेक्शन मैं पहली दफा जिंदगी में वैसे की बातें कर रहा हूं या आप मुझसे जो करवा रही हैं या कॉम्प्लेक्शन इज ओके व्हाटएवर. देखें हर बंदे की पर्सनालिटी के हिसाब से होता है. आई थिंक आई लाइक टॉल गर्ल्स. इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, क्योंकि जो ड्राई लोग हैं उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनती. मैं उनके बर्दाश्त तो कर लेता हूँ लेकिन बड़ी मुश्किल से ठीक हो गया. कोई ऐसी शख्सियत है जिसके बगैर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर लगता है कि ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? अब मेरे ख्याल में मेरी वालदा. आई एम वेरी अटैच टू माई मदर और उनसे मेरी पूरी फैमिली है एक्चुअली, मेरी बहनें भी. बिकॉज मेरे ख्याल में कि अगर आज मुझे दो लोग जानते हैं या मैं अगर ज़िंदगी में मैंने कुछ भी हासिल किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस. ठीक है. कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपके अभी तक पूरी ना हुई हो और आप चाह रहे हो कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी जो पूरी नहीं हुई. ऑब्वियसली स्ट्रगल है लाइफ थ्रू आउट. आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये सफ़र है बेसिकली जो आगे चलता है. तो बहुत सी हैं. आई वॉन्ट टू डू सो मच. मैं बंजी जंपिंग करना चाहता हूँ, मैंने आज तक मौका नहीं मिला मुझे. मतलब इस तरह की ये तो एक मैंने आपको बताई. पैरा ग्लाइडिंग करना चाहता हूँ, वो मुझे अभी तक मौका नहीं मिला. बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ. लेकिन फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं वो थोड़ा बता दें. फ्यूचर के ओके, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड आई वॉन्ट टू एक्सेल इन माई यू नो एंकरिंग फील्ड. मैं चाहता हूँ कि इसमें मज़ीद ग्रो करूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है पाकिस्तान का, उसको जो टैलेंटेड यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे मौके मिलें. और मुझे बड़ी खुशी हुई है ये चैनल आपका जो नया आया है कि इससे एटलीस्ट बहुत से लोगों को चांस मिलेगा, क्योंकि यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा जी हाँ आगे आने का मौका दिया जाएगा. मैं ये फील करता हूँ, बल्कि मिल भी रहा है. हम जैसे यंगस्टर जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो आगे आए, होस्टिंग करें, एंकरिंग करें. नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. देखें वो एक इंटरव्यू में मैं बैठा था तो उसने किसी ने कहा कि जी वो आप किसका शुक्रिया अदा करें. मैंने कहा मैं बहुत से ऐसे नौजवानों का, बहुत से ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो फ़न में, बातचीत में, पर्सनालिटी में मुझसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं. मुझे पता है लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला. मौका तो ये तो अल्लाह ताला की का निज़ाम है कि उनकी कुदरत है, उनकी मेहरबानी है ख़ास के मुझे थोड़ा मौका मिला. और हाँ बिल्कुल, चलिए. थैंक यू सो मच फारूक साहब, आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला. ये नहीं, मैंने निकालना था क्योंकि मुझे बहुत पीछे से जो है सख्ती से हिदायत मिली थी. आफी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है जी, और उसने मुझे कहा कि आपने ज़रूर आना. मेरी को कॉलीग हैं ये, एक प्रीवियस प्राइवेट चैनल में हम इकट्ठे काम करते थे. तो दोस्तों के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त. अला निगेबान.